हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सड़कों में बनी हर रंग की खींची गई लाइनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने सड़कों पर तो खूब सफ़र किया होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि सड़कों पर जो लाइनें खींची गई होती है उनका क्या मतलब होता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर तरह के हर रंग के लाइन का अपना अपना मतलब होता है। सड़कों पर हमें दो तरह के रंगों की पट्टियाँ खींची हुई नज़र आती है, पीली और सफ़ेद। दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। हमारे देश में लोगों को अधिक से अधिक केवल ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता है। यातायात के नियमों को लेकर समाज के लोगों को कम दिलचस्पी रहती है, इसलिए कम ही लोग इनके बारे में जानकारी रखते हैं। आइए जानते हैं इन पट्टियों का क्या मतलब होता है। नंबर 5, सफ़ेद लंबी पट्टी। जब भी किसी सड़क पर आप सफ़ेद लंबी पट्टी देखें तो इसका मतलब यह समझ लें कि इस सड़क पर लेन बदलना मना है। ध्यान रहे कि यह सफ़ेद पट्टियाँ बीच बीच में टूटी नहीं होनी चाहिए, वरना उसका मतलब अलग होगा। टूटी हुई लाइनों का अलग अलग मतलब होता है, इसलिए जब सफ़ेद लंबी पट्टी को देखें तो आप समझ लें कि आपको सीधे एक ही लेन में चलाना है। नंबर 4, टूटी सफ़ेद पट्टी। जब सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद पट्टी सड़क के बीचों बीच दिखे तो इसका साफ मतलब होता है कि आप लेन बदल सकते हैं। देश में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सड़कों पर पीले रंग की गहरी पट्टी बनी होती है। इसका मतलब भी यह होता है कि आप दूसरों को पास दे सकते हैं, लेकिन आप पीली रेखा बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते। इसके अलावा इस पट्टी का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होता है। तेलंगाना में इस पट्टी का उल्टा मतलब होता है, वहाँ आप पीली पट्टी वाली सड़क पर ओवरटेक नहीं कर सकते। नंबर 3, दो समांतर पीली पट्टियाँ। जिन सड़कों पर दो समांतर पीली पट्टियाँ बनी होती है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर किसी भी वाहन को एक दूसरे से ओवरटेक करने की मनाही होती है। मतलब यह है कि सभी वाहन एक दूसरे के पीछे सामान्य गति से चले। यह सड़क के एक लेन को दो हिस्सों में बांटती है। नंबर 2, टूटी पीली लाइन। टूटी पीली लाइन का मतलब है कि आप अपनी रफ्तार बढ़ाकर दूसरों से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप अपनी और अपने आगे पीछे चलने वालों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें ताकि किसी को कोई चोट ना पहुंचे। यदि एक लेन में किसी को साइड बदलनी हो और वह सुरक्षित हो तो इन लाइनों को पार किया जा सकता है। नंबर 1, सीधी पीली पट्टियों के साथ बनी टूटी पीली पट्टियाँ। यह दो तरह की पट्टियाँ होती है, एक सीधी लंबी पीली लाइन होती है और दूसरी इसके साथ चली आ रही लाइन, लेकिन वह बीच बीच में टूटी हुई होती है। अगर आप सीधी पीली पट्टियों की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप निश्चित दूरी पर बनी टूटी पीली पट्टियों की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना।